अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ अपना आज की डेली रूटीन। यहाँ पे सुबह हो चुकी है, हम सब उठ चुके हैं, मेरे हस्बैंड जॉब पे जा चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ पर मैं तैयार करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज मेरे बेटे को और बेटी को पैनकेक खाने थे, तो उनके लिए मैं बनाने लगी हूँ पैनकेक। पैनकेक का मैं यही वाला बॉक्स यूज़ करती हूँ, क्रस्टीज़ का बटर मिल्क। ये पैनकेक का मिक्स पैक आपको कहीं भी अमेरिकन स्टोर से मिल जाता है। यहाँ पर मैंने एक कप पैनकेक मिक्स लिया है, इसमें मैं तकरीबन एक कप पानी ही डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके, और इसको मिक्स कर लूँगी, और इसके बाद इसको हम फ्राइंग पैन में बना लेंगे। मेरे बच्चे मोस्टली रोज़ डिफरेंट ब्रेकफास्ट करते हैं, कभी उनको पैनकेक खाना होता है, कभी पराठा, कभी ब्रेड और कभी सीरियल, तो डिपेंड करता है उनके मूड पे। इसलिए क्योंकि अभी समर की छुट्टियां हैं, घर पे हैं बच्चे और पहले से घर पे हैं कोविड-19 की वजह से, तो जो उनका दिल चाहता है वो खा लेते हैं, मैं उनको बना देती हूँ। तो यहाँ पर आज दोनों बच्चों को पैनकेक खाने थे, और मेरी छोटी बेटी को जो है वो आज केक, रस और चाय चाहिए थी। अपने लिए मैंने आज टोस्ट गर्म किया था और ऑमलेट बनाया है, और यहाँ पर ये पैनकेक मिक्सचर रेडी हो चुका है। अभी हम इसको रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है, ना ज़्यादा पतला हो ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। यहाँ पर मैंने पैन को ऑलरेडी प्री हीट कर दिया है, और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है इसमें, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। यहाँ पर पैनकेक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आपको जो साइज़ रखना है उसके मुताबिक आप इसको पैनकेक मिक्स को डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा बड़े पसंद है पैनकेक और ना ही बहुत छोटे। उनकी ये ख्वाहिश होती है कि पैनकेक कच्चा ना हो, वाइट वाइट ना हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा देर सेंक रही हूँ ताकि उनको पसंद आए और वो खाएं। मेरे बच्चे खाने में बहुत पिकी हैं, एक को एक चीज़ खानी होती है और दूसरे को दूसरी चीज़। एज लॉन्ग एज वो खा रहे हैं अच्छी हेल्दी चीज़ खा रहे हैं तो बनाने में कोई मुश्किल नहीं, लेकिन खाने में उनको पिकी होता है कि मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। तो यहाँ पर पैनकेक रेडी हो चुके हैं ऑलरेडी, अब मैं इसके ऊपर सिरप डालूँगी। बेटे को ऊपर सिरप डाल के पैनकेक खाना अच्छा लगता है, और बेटी को सिर्फ पैनकेक ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैं बेटी के लिए साथ चॉकलेट मिल्क रेडी कर रही हूँ। बच्चों को किसी भी चीज़ में चॉकलेट डाल दें तो वो जो है वो चीज़ काफ़ी अच्छे से खा लेते हैं या पी लेते हैं। यहाँ पर मेरी बेटी को था कि पैनकेक हैं तो साथ चॉकलेट मिल्क होना चाहिए, तो मैं उसको दे रही हूँ। छोटी बेटी के लिए मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, तो उसके लिए भी थोड़ी सी चाय बनाई। ज़्यादा चाय नहीं मैं देती बच्चों को, मेरी दोनों बेटियाँ तो बिल्कुल नहीं पीती। सिर्फ ये है कि जब केक रस लेना हो या रस लेनी हो तो तब वो बीच में टिप करके ज़रूर खाती हैं। यहाँ पर भी उसने केक रस और चाय लेनी थी, उसके लिए मैंने वो बनाया, और अपने लिए मैं बना रही हूँ आज ऑमलेट। ऑमलेट जो है वो रेगुलर ऑमलेट है। मैंने दो एग लिए हैं, उसमें थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च और टमाटर डाल के मैं ऑमलेट बना रही हूँ, और इसके साथ मैं दो टोस्ट जो है वो लूँगी। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके बच्चों को ब्रेकफास्ट में या खाने में क्या पसंद है, क्या शौक से खाते हैं। मेरे बच्चों को जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी रोज़ जो है फरमाइश डिफरेंट होती है, रोज़ उन्होंने कुछ डिफरेंट खाना होता है, तो इसलिए मैं उनके लिए बना देती हूँ। जब स्कूल स्टार्ट होगा तो फिर मुश्किल थोड़ा हो जाता है कि जो चीज़ रेडी है या अवेलेबल है उनको फ़ौरन से बना के दी ताकि वो स्कूल टाइम से पहुँच जाएँ। तो जब तक छुट्टियाँ हैं तो वो भी मुझे कर लें, और मैं भी जो है वो उनको बना देती हूँ ताकि आराम से वो खाना खा सकें। मेरी बेटी आयशा को और मुझे ज़्यादातर नाश्ते में पराठा ही पसंद है, तो जब मैं उसके लिए पराठा बनाती हूँ तो हाफ़ मैं दे देती हूँ, हाफ वो खाती है, वो फुल पराठा नहीं खाती। और क्योंकि आज उसने पराठा नहीं खाना था, उसने पैनकेक खाना था, तो फिर मैंने अपने लिए पराठा नहीं बनाया था, मैंने भी ऑमलेट बना लिया था और साथ ब्रेड ले ली थी। तो यहाँ पर मैं अपने नाश्ते को एंजॉय करने लगी हूँ। आप भी मुझे बताएं कि आपके घर में जो है सुबह नाश्ते में क्या बनता है, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो नाश्ते में क्या खाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करने लगी हूँ, तो नेक्स्ट जो मैंने काम करना था वो थी आज लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में तकरीबन हर दूसरे दिन या तीसरे दिन कर लेती हूँ, जब भी मुझे पता चलता है कि एक लोड जो है वो तैयार है तो उसके मुताबिक मैं लॉन्ड्री कर लेती हूँ। ज़्यादा लॉन्ड्री को इकट्ठा नहीं करती, या एक दिन मैंने मखसूस नहीं रखा हुआ कि भाई
इस दिन करनी है या अगले दिन करनी है, जब भी एक लोड फुल होता है तो मैं लॉन्ड्री कर देती हूँ ताकि फिर ज़्यादा कपड़े ना इकट्ठे हों और साफ़ सफाई भी रहे। अपने घर का सबसे बड़ा फ़ायदा जो यहाँ पर है हम लोगों को अमेरिका में, वो ये है कि लॉन्ड्री आपके घर पे होती है, आप जब चाहे लॉन्ड्री कर सकते हैं। मैं लॉन्ड्री के लिए डिटर्जेंट जो है वो कॉस्को से लेती हूँ, बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कलर क्लोरेक्स है, क्योंकि बच्चों के कपड़े होते हैं और कोई ना कोई दाग होते हैं तो उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। फैब्रिक सॉफ्टनर है, ये तीनों चीज़ें जो हैं लॉन्ड्री की जो यूज़ होती हैं वो मैं कॉस्को से ही लेती हूँ, क्योंकि आपको दो चीज़ें बल्क में मिल जाती हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छा होता है, तो इसलिए मैं वहाँ से ही चीज़ें लेती हूँ। लॉन्ड्री करने के बाद नाश्ता हम लोग कर चुके थे, तो ज़ाहिर है कि लॉन्ड्री के बाद नेक्स्ट जो काम करना था वो थे बर्तन, और बर्तन जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे सुबह नाश्ते के, बच्चों ने जूस पिया था, नाश्ता किया था, मैंने खुद नाश्ता किया था, तभी मैं यहाँ पर बर्तन वॉश करूँगी और साथ साथ आपसे बातें करूँगी। आज का व्लॉग जो मैं यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ वो है मेरी डेली रूटीन। तो डेली रूटीन का व्लॉग मैंने जब बनाना था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या शेयर करूँ और क्या ना करूँ, क्योंकि हर घर की डेली रूटीन डिफरेंट है, हर घर में जो है रोज़ काम तो तकरीबन वही होते हैं लेकिन रूटीन थोड़ी बहुत आगे पीछे ज़रूर होती है। देखिए क्योंकि आजकल बच्चे घर पे हैं, मैं भी घर पे हूँ, तो तकरीबन सेम ही रूटीन है, आपने सुबह उठना है, नाश्ता करना है, अगर लॉन्ड्री करने वाली है तो वो करेंगे, उसके बाद बर्तन आ जाते हैं, बर्तन वगैरह धो के फिर आपने थोड़ी बहुत सफाई करनी है और फिर वही रूटीन के आगे लंच की तैयारी करनी है। तो मेरी भी वही रूटीन है, कोई ख़ास तो नहीं है। और क्योंकि आज हम लोग को कहीं भी बाहर नहीं जाना था, मोस्टली जो होता है कि मैं अगर कहीं मैंने ग्रोसरी करनी है या कोई चीज़ें लेनी है बाहर से, तो मैं अपने बच्चों को अपनी अम्मी की तरफ छोड़ देती हूँ, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मैं उनको कहीं भी बाहर नहीं लेके जाती, वो लोग या तो मेरे हस्बैंड के पास घर पे होते हैं तो तब मैं कोई काम कर लेती हूँ बाहर का, और या फिर मैं उनको अपनी अम्मी की तरफ छोड़ देती हूँ ताकि मैं अपना बाहर का काम आसानी से ख़त्म कर सकूँ। क्योंकि मार्च से मेरे बच्चे घर पे हैं, स्कूल नहीं गए, तो तब से रूटीन तकरीबन वही है, यही है कि हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद बच्चे जो हैं वो थोड़ा बहुत खेलते हैं या टीवी देख लेते हैं। तो बच्चों की रूटीन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि उनकी उस तरह वो कोई रूल्स नहीं है कि भाई आपने इतने बजे उठना है, या स्कूल की जो रूटीन थी वो भी ख़त्म हुई है क्योंकि स्कूल नहीं है। तो इसलिए ये कोशिश होती है कि घर के काम भी करें और साथ बच्चों को भी इंटरटेन करें ताकि वो भी बोर ना हों। इसीलिए जैसे कि आपने मेरी पिछली कुछ वीडियो में देखा था कि उनके लिए मैंने पूल लिया था, तो वो लोग ये कि थोड़ा टाइम पूल में स्पेंड कर लेते हैं, जब मेरे पास टाइम होता है कि मैं उनको बाहर लेके जाऊँ, पूल को साफ़ करूँ, उसमें पानी भर के फिर वो लोग इंजॉय करते हैं, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी आजकल कोरोना वायरस की वजह से क्या रूटीन है, आप लोग अपना दिन कैसे गुजारते हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मुझे बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आपको किस किस्म के व्लॉग्स जो हैं देखना अच्छा लगता है, मेरी डेली रूटीन के व्लॉग, शॉपिंग के व्लॉग, या कहीं बाहर जाके, बाहर जाना तो इतना नहीं हो रहा क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, तो ये है कि अल्लाह करे अब थोड़ा थोड़ा जो है वो काम खुले और चीज़ें खुलें, तो फिर जो है मैं आप लोगों को बाहर भी लेके चलूँ, आप लोगों को इधर की सैर कराऊँ, दिखाऊँ कि यहाँ पर क्या होता है, लोग कैसे रहते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस किस्म के व्लॉग जो है वो देखने अच्छे लगते हैं। बर्तन यहाँ पर वॉश हो चुके हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो काउंटर टॉप्स हैं वो वाइट हैं, टाइल्स लगी हुई हैं, इन टाइल्स को मैं वीकली जो है वो स्प्रे करके साफ़ करती थी, और स्प्रे मुझे नहीं मिल रहा था, ना ही सिंक वाला स्प्रे मिल रहा था। जब मैं पिछली दफ़ा वॉलमार्ट पे गई थी लास्ट मंथ, तो वहाँ से मुझे दोनों स्प्रे नहीं मिले थे, इसलिए ये उस तरह साफ़ नहीं है जैसा कि मैं करती हूँ यूजली। तो यहाँ पे किचन हो चुका है साफ़, और इसके बाद हमने क्या करना है, हम बनाएंगे खाना, और आप भी मेरे साथ आएँ और देखें कि आज मैंने खाने में क्या बनाना है। खाने में आज मैं बना रही हूँ पालक आलू। पालक यहाँ पे मैंने ली है फ्रोज़न चॉप्ड स्पिनच। ये फ्रोज़न पालक आपको किसी भी स्टोर से मिल जाती है, मोस्टली मैं देसी स्टोर से ही लेती हूँ क्योंकि मुझे इस कंपनी का, ये कंपनी जो मिलती है देसी स्टोर से, मुझे इसका ज़ायका अच्छा लगता है। पालक बनाने के लिए मैंने ली थी यहाँ पर दो प्याज,
चार टमाटर, उसके साथ जो मैंने इसमें मसाला डालना है वो कोई ज़्यादा नहीं है, बेसिक ही है, हल्दी है, लाल मिर्च है और देगी मिर्च है थोड़ा सा कलर देने के लिए, साथ में नमक है, स्पेसाइका, ये सारी चीज़ें मैंने, जो हल्दी ली थी वो थी हाफ टी स्पून, देगी मिर्च थी हाफ टी स्पून, जो लाल मिर्च थी वो थी 1.5 टीस्पून और नमक मैंने लिया था 1 टीस्पून। इसके साथ मैं नेशनल का मेथी जो है वो यूज़ करूँगी, ड्राई मेथी, मेरे पास फ्रेश मेथी नहीं थी तो मैं इसमें ड्राई मेथी जो है वो ऐड करूँगी। इन सब चीज़ों को मैं प्रेशर कुकर में प्रेशर दूंगी तकरीबन 5 मिनट और सारी चीज़ें डाल के प्रेशर कुकर में, उसमें मैंने हाफ ग्लास पानी डाला है और उसको प्रेशर दिया है 5 से 7 मिनट के लिए। तो जब प्रेशर आ रहा था कुकर को और अभी मैं जाकर बैठी ही थी तो मेरे बच्चों को चाहिए था टैंग। मेरे बच्चे जो हैं उनको शुगरी स्टफ अच्छे लगते हैं लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो कम से कम लें और मैं उनको बॉक्स जूस ज़्यादा नहीं देती, कोशिश मेरी ये होती है कि जितना वो पानी पिए वही चीज़ अच्छी है। यहाँ पर क्योंकि टैंग जो है वो ज़्यादा मीठा नहीं है तो मैं उनको टैंग ही बना कर देती हूँ, क्योंकि इसमें आप अपनी मर्ज़ी का मीठा ऐड कर सकते हैं, टैंग पाउडर जो है वो भी अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं। जब से बच्चे घर पे हैं उनका यही दिल होता है कि कोई ना कोई चीज़ उनको मीठी ही मिलती रहे। मैं पहले जब वो लोग स्कूल जाते थे तो उनके लिए कोई ना कोई चीज़ ले आती थी ताकि वो स्नैक में कोई चीज़ साथ ले जाएं, या घर पे अगर कोई चीज़ मौजूद है स्कूल से आए हैं तो खाना खाने के बाद उनको थोड़ा बहुत दे देती थी। लेकिन जब से स्कूल बंद हुए हैं और मोस्टली लास्ट 2 मंथ से जो है मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लेके आती कि जिसमें मीठा ज़्यादा हो। और टैंक बनाने के बाद प्रेशर कुकर ऑलरेडी प्रेशर आ चुका था, मैंने प्रेशर भी खोल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर चीज़ जो है प्याज और टमाटर गल चुके हैं और मैं उसका पानी ड्राई करूँगी और उसके बाद बाकी पालक को बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं एक नया देगचा लेकर आई थी, लास्ट मंथ जब मैं गई थी वॉलमार्ट पे तो मैं खोल नहीं पाई थी और अभी मैं यहाँ पर इसको खोलूँगी और यूज़ करूँगी पालक आलू के लिए। मेरे पास जो मोस्टली देगचे हैं वो मैं पाकिस्तान से ही लेकर आई थी तो वो जो हैं वो ज़्यादा डीप होते हैं और मुझे चाहिए था ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा डीप ना हो, थोड़ा डीप हो लेकिन जिस तरह कढ़ाई होती है उस तरह हो। मैं इस तरह का देगचा काफ़ी अर्से से ढूंढ रही थी लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था, या तो बड़ा होता था या चौड़ा होता था या डीप होता था, तो ये जो साइज़ मुझे चाहिए था ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ था और मुझे मिल गया था वॉलमार्ट से। तो ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, मुझे मिला था ये 1999 का मेरे ख्याल से, या 2999 का। यहाँ पे मैं इसको वॉश कर रही हूँ ताकि मैं इसमें खाना बना सकूँ। तो जब मैंने लिया था तब मैंने इसको रख दिया था और वॉश नहीं किया था, तो आज जब मैंने खोला है तो पहले वॉश करूँगी और फिर आप भी मेरे साथ देखेंगे इसमें आज पालक आलू कैसा बनेगा। हम लोग के घर में मोस्टली चिकन, दाल और सब्ज़ी तीनों चीज़ें ही जो हैं वो वीक में बनती हैं। डिपेंड करता है कि एक बच्चे को एक चीज़ पसंद है और दूसरे बच्चे को दूसरी चीज़। पालक जो है वो मेरी बेटी को पसंद है और बेटे को पसंद है लेकिन छोटी बेटी को नहीं पसंद, तो उसके लिए मैं साथ में एक दूसरा सालन भी बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया था और उसमें मैंने ये पालक जो है वो अभी कन्वर्ट कर दिए देगचे में और बाकी जो पालक है मैं उसको देगचे में ही भूनूंगी। यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट मुझे लग गए थे पालक को भूनने में और पहले पानी को ड्राई होने में और उसके बाद मैंने फिर उसको अच्छी तरह भूना। उसके साथ ही जो है मैंने इसमें आलू डाले थे क्योंकि पालक में आलू अगर नहीं होते तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। पालक को थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने आलू डाले थे और साथ ही मैंने डाल दी थी 3 से 4 मोटी लाल मिर्च और उसके साथ मैंने थोड़ी सी सूखी मेथी, 2 हरी मिर्चें काट के इसको यहाँ पर थोड़ी देर भूनेंगे और उसके बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे, पानी नहीं डालना। जब आप ढक्कन बंद करेंगे तो पालक के पानी से और स्टीम से आलू खुद ही गल जाएंगे, पानी से बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रखूँगी ताकि आलू अच्छी तरह गल जाएं। और इसके साथ जो दूसरी चीज़ मैं तैयार करूँगी वो है आलू भुजिया, और आलू की भुजिया के लिए कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर मैंने 3 से 4 आलू काटे हैं, 7 टमाटर लिए हैं, 2 आलू भुजिया मसाला लिया है। यहाँ पर आलू के लिए मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं लिया, ऑयल लिया है तकरीबन मैंने 1/2 कप से भी थोड़ा सा।
थोड़ी सी इसमें कलंजी डाली है, यहाँ पर आलू डालेंगे, साथ डालेंगे टमाटर और साथ मैंने 2 टीस्पून जो है वो आलू भुजिया मसाला डाला था और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको हल्की आंच पर तकरीबन 10 से 15 मिनट रखेंगे तो आलू गल जाएंगे और हमारे आलू भुजिया जो है वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पर आलू पकने के लिए मैंने तकरीबन 5 मिनट रख दिए थे और यहाँ पर भी चेक करेंगे कि मसाला रेडी हो गया है और आलू गले हैं या नहीं। तो यहाँ पर अभी क्योंकि पानी थोड़ा सा था और अभी आलू भी नहीं गले थे तो इसको तकरीबन 10 मिनट और बनाएंगे। मुझे जब भी बच्चों के लिए कुछ बनाना होता है जल्दी में या उनको कोई चीज़ पसंद नहीं होती और उनको खाना होता है तो मैं उनके लिए फौरन इसी तरह आलू भुजिया बना लेती हूँ क्योंकि ईजी भी रहता है और उनको पसंद भी है आलू खाने। मोस्टली रोटी के साथ जो मेरी बेटी वो आलू ही खाती है तो इसके लिए ये मैं जो है फ़ौरन से तैयार कर लेती हूँ। ईजी रहता है इस तरह और बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि उनको उनकी पसंद की चीज़ मिल गई। और यहाँ पर दोनों सालन रेडी हो चुके थे, पालक आलू भी और आलू की भुजिया भी। और साथ ही मैं जब आलू बना रही थी तो आटा गूंदा था ताकि मैं उनके लिए ताज़ी रोटी बना सकूँ और इसके दरमियान में साथ ही मैंने सैलड बनाया था क्योंकि मुझे खाने के साथ स्पेशली समर में जो है सैलड वो बहुत अच्छा लगता है। एक तो हेल्दी भी है और उसके साथ साथ जब आप खाना खाते हैं तो आपको अगर सैलड नहीं होता तो वो मज़ा नहीं आता, इसलिए साथ मैंने ताज़ा सैलड तैयार किया था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटियाँ। मुझे सुबह से काम करते हुए तकरीबन अभी शाम के 4:30-5 हो चुके थे। मेरे बच्चे खाना लेट नहीं खाते, मोस्टली जो है वो हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं और फिर हम लोग शाम में खाना खा लेते हैं। दिन का लंच उस तरह नहीं होता, कोई भी छोटी मोटी चीज़ साथ ले लेते हैं बच्चे और मैं भी ले लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर 5:30 का टाइम हो चुका था और हम लोग खाना खाएंगे भी। तो यहाँ पर खाना रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कि साथ सैलड है, आलू की भुजिया है, पालक आलू बनाया था और साथ में जो टैंग बनाया था वो रखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज की मेरी डेली रूटीन जो है मैंने थोड़ी सी आपसे शेयर की थी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है, आपको डेली रूटीन शेयर करना अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, क्या आइंदा भी आप इस तरह के व्लॉग देखेंगे, आपको पसंद है तो मैं फिर अपनी डेली रूटीन जो है वो और शेयर करूँगी। और अगर आपको किसी और किस्म का व्लॉग अच्छा लगता है, आपको शॉपिंग का व्लॉग अच्छा लगता है तो वो भी मैं अपलोड कर सकती हूँ। और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करने से पहले उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लास्ट व्लॉग को पसंद किया, उनको कमेंट किया। और इसके अलावा उन सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने मेरी हेल्प की इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे इंस्टा को फॉलो किया। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मेरे चैनल को। और मेरे चैनल के अलावा मैं इंस्टा पे भी जो है वो पेज है मेरा, इंस्टा पे सेम ही नाम है पाकिस्तानी व्लॉगर इन अमेरिका, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर व्लॉगिंग नहीं करती तो मैं इंस्टा पर जो है वो लाजमी कुछ ना कुछ जो है वो अपलोड करती रहती हूँ। मैं यहाँ पर अपना खाना एंजॉय करूँगी और आप सब लोगों से लूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।